नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात जीएसटी का करेंगे, जीएसटी से जुड़े कानून की बात होगी और जीएसटी से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको देंगे। जीएसटी एक नया कर है और इतने बड़े पैमाने पर जब कोई कर प्रणाली लागू की जाती है तो समस्याएं तो आना स्वाभाविक है, लेकिन अब जीएसटी को लागू हुए 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में जीएसटी को स्थिर हो जाना चाहिए, क्योंकि सरलीकरण के नाम पर लाया गया ये कर सुधार जब सफल होगा तभी अर्थव्यवस्था को पूरा लाभ दे पाएगा। जीएसटी संविधान संशोधन कोई जीएसटी कानून नहीं था, लेकिन इस संशोधन के साथ ही राज्यों और केंद्रों को जीएसटी लागू करने की शक्तियां प्राप्त हो गई थी और इसी के चलते केंद्र और राज्यों ने अपने अपने जीएसटी कानून बनाए और 1 जुलाई 2017 को संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने रात्रि 12 बजे भारत में जीएसटी लागू करने की घोषणा की। कर सरलीकरण के मसले को लेकर लाया गया जीएसटी में जमीन स्तर पर कई बदलाव भी हुए, इससे कई परेशानियां भी पैदा हुई। कानून नया है तो इसकी प्रक्रिया समझने में दिक्कतें भी आई। जीएसटी अभी तक प्रक्रिया के उलझनों, लेट फीस को लेकर विवाद, इनपुट क्रेडिट से जुड़े कठिन और अव्यवहारिक प्रावधानों, नियमित रूप से जारी होने वाली अधिसूचनाओं, जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं से संघर्ष कर रहा है। ये तो थी बुनियादी जीएसटी से जुड़ी हुई जानकारियां। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ आज चार्टर्ड अकाउंटेंट गीतिका श्रीवास्तव जी हैं। गीतिका जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका। जीएसटी से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी आपको देंगी। गीतिका जी को टैक्स मामले में कार्य करने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है। आप जीएसटी पोर्टल के कार्यान्वयन के लिए जीएसटीएन में भी कार्य कर चुकी हैं। अगर आपका भी, जी हाँ, दर्शकों का भी अगर कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को आज का विषय हम समझा देते हैं। ये विषय दरअसल जीएसटी से जुड़ी हुई सलाह अगर आप चाहते हैं इससे जुड़ी हुई सलाह लेना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7065013841। ये हमारा नंबर है। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आप इस बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, गीता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीतिका जी, सबसे पहले बताइए जीएसटी का मकसद क्या है, क्या है ये जीएसटी? ओके, नेहा, जैसे हम सब जानते हैं कि जीएसटी आने से पहले हमारे देश में अलग अलग तरीके के टैक्सेस चार्ज किए जाते थे टैक्सपेयर से। कुछ टैक्सेस होते थे जो केंद्र सरकार कलेक्ट करती थी और कुछ टैक्सेस होते थे जो राज्य सरकार कलेक्ट करती थी। जैसे कि उदाहरण के तौर में देखें तो केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती थी, सीएससी करती थी, सीबीडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी होती थी, एक एडिशनल स्पेशल एडिशनल ड्यूटी होती जो इम्पोर्ट के टाइम पे लगती थी। तो इस तरह की ड्यूटीज केंद्र सरकार कलेक्ट करती थी। उसी तरह से राज्य के पास कुछ पावर्स थी जिसके अंदर वो कुछ टैक्सेस कलेक्ट करते थे, जैसे कि वैट होते हैं, वैल्यू एडिटेड टैक्स होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया। तो इस तरह के अलग अलग टैक्सेस को कलेक्ट करने के कारण से एक तो जितने भी टैक्स पेयर्स थे उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी कि उन्हें दो अथॉरिटीज के साथ डील करना। गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करते हैं तो उनके ऊपर दोनों तरीके की अथॉरिटीज अपनी अपनी असेसमेंट करती थी, अपने अपने इश्यूज लेकर आती थी। तो इसके चलते प्रॉब्लम ये आने लगी कि लोगों को टैक्स का जो कंप्लायंसेज है या जो टैक्स की जितनी भी रूटीन प्रोसेस करने होते थे उसमें उनको बहुत दिक्कतें आने लग गई। उसके अलावा सबसे बड़ा इशू आता था जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट मिलता है। जैसे कोई भी एक कारोबारी होता है, वो अगर कोई भी सामान या कोई भी सर्विसेज खरीदता है और उस पर यदि वो कोई भी ड्यूटी या टैक्सेस पे करता है तो उसका उसको क्रेडिट मिलता है जिसको वो इस्तेमाल करके अपने आउटपुट पे, यानी जो भी आगे की विक्रेता वो बिक्री वो कर रहा है उस पर जो भी ड्यूटीज या टैक्सेस चार्ज होते थे उनको पे कर सकता था। लेकिन अब ये दो अलग अलग राज्य और केंद्र सरकार की टैक्सेस लगाने की वजह से क्या होता था कि जो केंद्र सरकार के टैक्सेस थे
उनको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते थे यदि हमें कोई राज्य सरकार का टैक्स पे करना था। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने कोई भी, आप एक ट्रेडर हैं, आप गुड्स में डील करते हैं और आपने किसी की सर्विस ली, मान लीजिए किसी सेल्स एजेंट की सर्विस ली या कोई रेंटिंग की सर्विस ली, तो आप जब आगे टैक्स पे करते थे तो वो वैट पे किया जाता था जो कि राज्य सरकार को जाता था। और जो आप खरीदते टाइम टैक्सेस पे करते थे सर्विसेज पे, वो से फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में सर्विस टैक्स होता था जो केंद्र सरकार को जाया जाता था। तो ये वाला जो सर्विस टैक्स है, इसका ऑफसेट इस वैट को जो हमने अपने गुड्स को बेचते टाइम पे किया उसके लिए नहीं मिलता था। इसके चलते क्या होता था कि एक कारोबारी जो इस तरह के टैक्सेस का बर्डन बेयर कर रहा है, उनकी टैक्सेस पे कर रहा है, वो उसकी जो वैल्यू होती थी वो ऐड कर देता था अपनी ही गुड्स की वैल्यू में। इससे क्या होता था, हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं टैक्सेस ऑन टैक्सेस का, यानी कर पे कर। आपने सर्विस टैक्स पे किया अपनी परचेजेस पे, आपने रेंटिंग की सर्विस ली उस पर सर्विस टैक्स पे किया, लेकिन आप उस टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह आप उसकी वैल्यू ऐड कर देते थे अपने सामान में जो आप बेच रहे हैं, तो और उस वैल्यू के ऊपर दोबारा से वैट लगता था। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होता था जिसमें टैक्सेस पे टैक्सेस लग रहे होते थे, इसे रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस बनाए, ये डिस्कशंस हुई जो काफी समय से चल रही थी, 2009 से इनिशिएट होते होते 2017 में जाके हमारे आगे ये जीएसटी लॉ आया है, जिसके अंदर उन्होंने इस तरह का जो डिस्टॉर्शन हो रहा था कि केंद्र सरकार के टैक्स आप नहीं इस्तेमाल करते थे राज्य सरकार के टैक्स पे करने में, एंड इसी तरह से राज्य सरकार का अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, मान लीजिए अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपने कोई सामान खरीदा, कोई स्टेशनरी खरीदी, उस पर आपने वैट पे किया है, तो आप आगे कोई भी सर्विस टैक्स पे करते तो उसको पे करने के लिए आप इस वैट का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो सेम इफेक्ट होता था, इसी टैक्स पे दोबारा इसकी वैल्यू ऐड कर दी जाती थी सर्विसेज पे और इस पे दोबारा टैक्स लगता था। जिस इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए ही गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉ इंट्रोड्यूस किया, जिसके चलते ये सारे टैक्सेस जो हैं, चाहे सेंटर के थे चाहे स्टेट के थे, ये सारे सब्स्यूम हुए जीएसटी के अंदर। इसीलिए इस पूरे लॉ का नाम चेंज करके, जो पहले एक्साइज सर्विस टैक्स वैट सीएसटी हुआ करता था, इसे पूरा नाम बदल के करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा गया। यानी कि हम चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उन पे एक ही तरीके का टैक्स लगा रहे हैं, जिससे ये फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट है ये मेंटेन हो सके। तो ये इंटेंशन था, ये एक्सपेक्टेशन थी हम सबकी कि इसी तरह से ये फ्लो होना चाहिए। एंड जिस तरह की टैक्सेस की प्रॉब्लम आ रही थी और टैक्सेस पर टैक्सेस लग रहे थे वो कई हद तक ठीक है। गीतिका, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, लतीफ जी इस वक्त हमारे साथ है। लतीफ जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से वो संपर्क साधने की हम इससे कोशिश करेंगे, लेकिन इस विषय पर हम चर्चा लगातार जारी रखते हैं। गीतिका जी, भारत में जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार है इसके? देखिए, तीन प्रकार के जीएसटी बनाए गए हैं। मैं अपने पिछले ही स्टेटमेंट को एक्सटेंड करूंगी कि जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम एक सिंगल टैक्स लगाएंगे, लोगों को जो प्रॉब्लम होती है मल्टीपल, जो मैंने इनिशियल डिस्कशन में बोला भी कि लोगों को डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज के साथ डील करना पड़ता था, तो उनको बड़ी परेशानी होती थी डे इन डे आउट, कभी राज्य सरकार के ऑफिसर्स आ रहे हैं कभी केंद्र सरकार के ऑफिसर आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कंट्री है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अपनी अपनी पावर्स दी गई हैं। तो इन पावर्स के चलते इस तरह की जो टैक्स बना उसमें इन्हें मजबूरन एक सेंट्रल टैक्स और एक स्टेट टैक्स बनाना पड़ा, जिसे हम सेंट्रल जीएसटी कहते हैं सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी कहते हैं एसजीएसटी। तो ये तो हो गए पहले कैटेगरी के दो टैक्स। इसके अलावा एक और टैक्स है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ब्रॉडली देखें तो तीन तरीके के टैक्सेस हैं, बट इसकी थोड़ी सी अगर हम माइन्यूट या माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो इसको बनाने का एक पर्पस ये निकल कर आया कि जहां पे आप लोकल सप्लाई कर रहे हैं वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, और जहां पे कोई इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है, कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई इम्पोर्ट हो रहा है, तो वो सारे जो टैक्सेस थे जहां पे क्रॉस बॉर्डर या विद इन कंट्री क्रॉस स्टेट मूवमेंट हो रही है उसको गवर्न करने के लिए आईजीएसटी बनाया गया। जी। अब क्वेश्चन आता है कि जब सीजीएसटी और एसजीएसटी बना दिया गया था तो आईजीएसटी बनाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। इसमें अगर हम पीछे जाएं तो हमारे पास एक
सेंट्रल सेल्स टैक्स करके भी जरा हुआ करता था, वो प्रैक्टिकली इसी चीज के लिए होता था, जहाँ पे इंटरस्टेट मूवमेंट होती थी वहां पे सेंटर टैक्स कलेक्ट करता था और उसमें उनका शेयर होता था, जैसी कलेक्शन पावर स्टेट को दे दी गई थी। इसी तरह से जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते थे वहां पे भी सेंटर अपना कंट्रोल रखता है कि एक्सपोर्ट वगैरह में उनका पावर है, दे विल कंट्रोल। चलिए गीतिका जी बनी रही है हमारे साथ, अमरीश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दर्शक। अमरीश जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। अमरीश जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए हम इस पर विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। गीतिका जी, दरअसल जो तीन भागों में जीएसटी को डिवाइड किया गया है, इसका विभाजन किया गया है, क्यों जरूरत आन पड़ी इसकी कि उसे विभाजित करना पड़ा, और क्या अब छोटे कारोबारियों की जो झंझट खत्म करने की बात सरकार के जरिए की जा रही थी, क्या वो खत्म हो गई है झंझट? ओके, आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्यों ये मल्टीपल टैक्सेस की जरूरत पड़ी, तो जहां से मैंने हमारा डिस्कशन स्टार्ट किया था कि हमारी कंट्री में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को पावर्स हैं अपने अपने टैक्सेस लगाने की। बिल्कुल, अगर किसी एक को पावर जाती तो दूसरे के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद, बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन के बाद ही ये अग्रीमेंट हुआ, एंड इसी कंडीशन के बेसिस पे ही जीएसटी पास हुआ कि जो हमारा लॉ होगा वो दो चीजों में विभाजित होगा, सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ। बेशक सारे प्रोविजन सबके सेम रहेंगे, लेकिन पावर जो टैक्सेस होंगे उसका रेवेन्यू जो सीजीएसटी का कलेक्ट होगा वो सेंट्रल को जाएगा और जो जीएसटी का कलेक्ट होगा वो स्टेट को जाएगा। ना इतना ही नहीं, आईजीएसटी में से भी जो कलेक्शन होगा उसका भी एक पोर्शन है जो वो स्टेट को जाएगा, एंड इसके बाद भी एक कॉम्पनसेशन सेस वगैरह भी 5 साल के लिए स्टेट को देने का वादा किया गया था। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पहले कुछ रेवेन्यू होते थे या कुछ टैक्सेस होते थे जो सीधा स्टेट कलेक्ट करता था और वो सीधा उन्हीं की किटी में जाता था। अब क्योंकि अगर आप एक कॉमन टैक्स रिजीम बना देंगे तो स्टेट की जो डिपेंडेंसी थी वो सेंटर पे बढ़ने लग जाती है, जैसे आईजीएसटी के केस में होता है। यदि कोई इंटरस्टेट मूवमेंट होता है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं या कोई एक्सपोर्ट करता है जहां पे वो टैक्स पे करना ऑप्ट करता है, तो उस केस में सेंट्रल अथॉरिटीज को पावर है टैक्स कलेक्ट करने की। लेकिन एक प्रोविजन है, एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिसके अंदर स्टेट को जहां पे भी वो सर्विसेज या गुड्स कंज्यूम हुए उस पर्टिकुलर स्टेट को, उस राज्य को उसका पोर्शन ऑफ टैक्स दिया जाएगा। नहीं तो स्टेट का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? आप ये देखें कि पहले आपको एंटरटेनमेंट टैक्स मिलता था, वैट मिलता था, आपको लग्जरी टैक्सेस मिलते थे, ये सारे जब जीएसटी में सब्स्यूम हो गए और सब सिर्फ सेंटर अगर लेने लग जाएगी तो स्टेट का रेवेन्यू का सोर्स ही खत्म। तो इससे देर इज अ लॉट ऑफ यू नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिसके चलते ये अग्री किया गया कि ठीक है, हम जहां पे लोकल सप्लाईज होंगे वहां पे पहले ही विभाजित कर देंगे 50-50%, आधा सेंटर को जाएगा आधा स्टेट को जाएगा, और जहां पे इंटरस्टेट होगी यानी कि जहां पे आईजीएसटी लगेगा वहां पे एक मैकेनिज्म बना हुआ है डेवोल्यूशन का, उसके तहत जिस स्टेट में कंजम्पशन होगी उस स्टेट को पैसा मिल जाएगा, या जहां से भी आईटीसी यूटिलाइज किया गया और ऑफसेट किया गया, तो एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया। तो मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि राज्य का रेवेन्यू सेव करने के लिए ये मल्टीपल टैक्सेस बनाने पड़े। बिल्कुल, गीतिका जी हमारे साथ लगातार मौजूद है जो कि बता रही हैं कि जीएसटी क्या है, कितने प्रकार की होती है, कब जीएसटी लगाई जाती है, और राज्य और केंद्र के बीच जीएसटी को लेकर आखिर क्या कुछ प्रक्रिया है और कितने प्रकार की जीएसटी होती है, इस बारे में भी हमने जाना। लेकिन सवाल गीतिका जी सीधा सा मेरा ये था कि छोटे कारोबारी जो कि टैक्स भरने में काफी दिक्कतें जिनको होती थी, डिजिटलाइजेशन भी हुआ और ऐसे में ये कहा गया कि अब जीएसटी को भरने में या फिर जीएसटी देने में अब छोटे कारोबारियों को दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत आसान तरीका अपनाया जाएगा जिससे कि दिक्कतों से उनको निजात मिलेगी, क्या वाकई आपको लगता है कि जीएसटी के बाद ऐसा हुआ है, झंझट खत्म हुआ है? देखिए, शुरुआत में जैसे कोई भी नया लॉ आता है या कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो तकलीफें सबको होती हैं नए चीज को अडॉप्ट करने में, समझने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में। जहां तक छोटे कारोबारियों की बात है, इनिशियली कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए एक कॉम्पोजिशन स्कीम निकाली गई थी
कि वो लोग इस झंझट में ना पड़े कि क्रेडिट लेना है, मैचिंग करना है, करना है, वो करना है, अपना क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें और खत्म उनका. लेकिन बहुत सारे ऐसे टैक्सपेयर्स थे जो उसमें फॉल नहीं करते थे, या फिर उनको लगता था कि नहीं उन्हें क्रेडिट लेना है, लेकिन क्योंकि वो छोटे कारोबारी हैं तो उनको दिक्कतें आती थी इन चीजों को मंथली बेसिस पे करने के लिए. इसी का समाधान ढूंढते हुए गवर्नमेंट ने एक QRMPS स्कीम लॉन्च करी, जिसमें जिसका मतलब था क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट. इससे फायदा क्या हुआ, गवर्नमेंट को भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि इस स्कीम के तहत आप पेमेंट तो मंथली कीजिए, टैक्सेस महीने में पे करिए, लेकिन जो आपको रिटर्न फाइलिंग का झंझट होता था कि बार बार आपको पूरे डेटा अपलोड करना है, हम सब जानते हैं कि GST में मंथली रिटर्न ने काम बढ़ाया ही है सबका, तो उसके चलते उनको ये परेशानी आ रही कि हम काम करें कि हम मंथली रिटर्न ही फाइल करते रहे, हम ITCs मैच करते रहे. तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप ना एक IFS करके फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करी, जिसके अंदर आप अपनी जितनी भी रोजमर्रा की आप सेल्स कर रहे हैं उनको चढ़ाते जाइए, ताकि सामने वाले को क्रेडिट का नुकसान ना हो. और दूसरी बात, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कीजिए, जिससे आपको हर महीने रिटर्न नहीं फाइल करनी. पेमेंट का मैकेनिज्म उन्होंने आउटसाइड रिटर्न दे दिया, आप रिटर्न के बाहर ही 8303 से पेमेंट कर दीजिए, और उसको जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे उससे मैप कर दीजिए. तो ऑल इन ऑल अगर आप कंप्लायंसेस की बात करें कि जो ये कारोबारियों को हर महीने करना पड़ रहा था उससे उनको रिलैक्सेशन तो मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है. दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ी दिक्कत आती थी, जो मैंने पहले कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करी, कि उसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग में या तो सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलता था, जी जी जी, या जिन केसेस में अगर आप मान लीजिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है लेकिन आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या जो बेनिफिट है, तो उसमें क्या होता था कि क्रेडिट आपके सामने वाले को डिलेड मिलता था. तो क्या होता था कि भाई आप जिसके साथ डील कर रहे हैं उसे जब टाइमली क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है. लोगों को ग्राउंड लेवल में ये दिक्कतें आने लगी, वो चाहते थे कि भाई जो लोग मंथली रिटर्न फाइल करते हैं या कॉम्पोजिशन स्कीम में काम नहीं करते हैं हम उनके साथ डील करेंगे, क्योंकि हमारे को जहां जहां क्रेडिट मिलने हैं या जहां पे भी हमारी डिफिकल्टीज आ रही हैं हमें मैचिंग वैचिंग नहीं करनी है 3-3 महीने के अंदर. तो अब ये जो QRMPS स्कीम लॉन्च हुई उससे एक ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये हट गया. आप अपनी मंथली IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है उसके अंदर आप अपनी डिटेल फर्निश करते रहिए, जिससे कि आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग खरीदार हैं उनको उनके 2A में क्रेडिट दिखता रहेगा. उनको क्रेडिट दिखता रहेगा तो उनको क्रेडिट लेने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप महीने में पेमेंट भी कर रहे हैं, आपको महीने की अगली 13 तारीख तक पेमेंट करने का तरीका ही मैं आपसे पूछ रही हूँ गीतिका जी. GST रिटर्न कैसे करते हैं, कैसे भरते हैं इसे? देखिए रिटर्न अलग अलग तरीके की हैं. अगर आप मंथली रिटर्न GSTR 1-3B की बात करें, ये सारी रिटर्न हमारे पोर्टल पे अवेलेबल हैं. आप अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे, पोर्टल पे जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से किस किस्म के व्यापारी हैं. अगर आप GSTR कॉम्पोजिशन वाले हैं तो GSTR 4 में आएंगे, अगर आप नॉर्मल हैं तो GSTR 1-3B आपके में रिफ्लेक्ट करेगी. तो पोर्टल के अंदर पूरा एक फॉर्म दिया गया है जिस फॉर्म को आपको भरना होता है. अब फॉर्म भरने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जिनके बहुत कम इनवॉइसेस होते हैं वो सीधा जाके ऑनलाइन फॉर्म भर लेते हैं, उसमें ज्यादा मेहनत का काम नहीं होता, एक एक एंट्री कर लिया और फॉर्म भर दिया. जिनके ज्यादा फॉर्म होते हैं उनको एक ऑफलाइन टूल की फैसिलिटी दी गई है. ऑफलाइन टूल में क्या होता है, एक एक्सेल शीट की होती है, वो डाउनलोड हो जाती है, आप उसमें अपना सारा का सारा इनवॉइस का डेटा पॉपुलेट कर दीजिए और उसको एक JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपलोड कर दीजिए, तो पूरी की पूरी रिटर्न फाइल हो जाती है. गीतिका जी, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है तो मैं इस बारे में आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी कि ऑनलाइन कैसे GST भरा जा सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया है. किसी तरह का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ता है, कुछ ऐसा है क्या? देखिए अगर हम GST के दौर की बात करें तो यहाँ पे टैक्स पे करने का एक थोड़ा यूनिक तरीका है. पहले आपको अपने अपने कैश लेजर, हमारे पास क्या होते हैं हमारे पोर्टल पे एक कैश लेजर और एक क्रेडिट लेजर हमें दिया गया है. कैश लेजर वो होता है जो हम अपने आप से कैश डिपॉजिट करते हैं उस लेजर में, जिसको हम यूज करेंगे टैक्स पेमेंट करने के लिए. ITC लेजर में वो अमाउंट आता है जो मेरे सप्लायर ने, यानी जिन्होंने खरीदारी करी है, जो वो लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उनकी रिटर्न से पॉपुलेट होके मेरे लेजर में वो दिखाई पड़ने लगता है जब रिटर्न फाइल हो जाती है. तो ये ITC लेजर और कैश लेजर आपको मिलता है अपने टैक्सेस पे करने के लिए. तो
कैश लेजर में आपको PMT 06 के थ्रू एक चालान होता है, वो फाइल करना होता है। उसके अलग अलग तरीके हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन करिए, नेट बैंकिंग करिए, चाहे वहाँ पे बैंक से ओवर द काउंटर जाके करिए। ओवर द काउंटर जाके में एक लिमिट दी हुई है 50,000 की, इससे ज्यादा का टैक्स नहीं जमा कर सकते। NEFT करिए, इस तरीके के अलग अलग उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके अंदर आप अपना जो भी अमाउंट है जिससे का आप टैक्स पे करना चाहते हैं कैश से, वो कैश लेजर में जमा कीजिए। वो कैश लेजर में दिखने लगता है, उसको आप यूज करके। ठीक है गीतिका, ये भी हमें बताइए कि GST नहीं भरने पर क्या कार्रवाई या फिर जुर्माने का प्रावधान है? देखिए, यदि आप GST नहीं पे करते हैं तो एक तो इंटरेस्ट लगता है, Section 50 के अंदर 18% का इंटरेस्ट होता है फ्रॉम दी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल जब आपने फाइल नहीं किया है। हमारे यहाँ GST लॉ के अंदर जो टैक्स पेमेंट का जो तरीका है वो GST 3B से लिंक्ड है। तो यदि आप 3B फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स पे होगा। यदि आपने 3B नहीं फाइल करी और टैक्स भी नहीं पे करा तो 3B के लिए भी आपको नॉन कम्प्लायंस की लेट फी वगैरह पे करनी पड़ती है। तो इस तरीके के नॉन कम्प्लायंसेज है, एंड अगर कोई इंटेंशनली करता है इस तरह के तो नेचुरली डिपार्टमेंट आपको आके आपके पास आके कार्यवाही कर सकता है, आपकी फाइल खोल सकता है, बोल सकता है कि आपने टैक्स नहीं पे किया है, आपने फ्रॉड किया है। तो डिमांड वगैरह, रिकवरी प्रोसीडिंग वगैरह ये सब भी हो सकती है अगर आपने टाइमली टैक्स नहीं पे किया। बिल्कुल, तो इस तरह की दिक्कतों से आपको भी दो चार गुना पड़ सकता है अगर आप GST रिटर्न नहीं करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका गीतिका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तफसील से GST के बारे में बताने के लिए। दरअसल आज हमने आपको बताया कि GST क्या होता है, कितने तरह की होती है, GST को कैसे फाइल किया जाता है, कैसे रिटर्न किया जाता है, इसका क्या कुछ प्रोसीजर होता है, और अगर आप GST नहीं फाइल करते हैं, नहीं ITR रिटर्न करते हैं तो जाहिर तौर पर उसके खिलाफ भी आप पर एक्शन हो सकता है। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।